एग रिट्रीवल मींस आपके अंडा निकालने का प्रोसेस, ये एक ऐसा दिन है जैसे कि आपके एग्ज़ाम का डे होता है। अब क्या होता है, जब IVF का प्रोसेस होता है तो उसमें बहुत सारे इस तरह से एग्जामिनेशन के दिन आते हैं। जैसे मैं एक मरीज़ को समझाती हूँ, एक कपल को समझाती हूँ कि जैसे एक UPSC का एग्ज़ाम होता है, उसमें पहले प्रिलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, हर स्टेप पे आपको रिजल्ट देने होते हैं, वैसे ही एक IVF का प्रोसेस होता है। तो जो एग रिट्रीवल का डे होता है वो आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है, बिकॉज उस दिन आपके अंडे आएंगे, उससे हमें ये पता चलेगा कि हम इसमें फर्टिलाइजेशन दे पाएंगे कि नहीं, उनकी क्वालिटी कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, आपके भ्रूण एक्स्ट्रा बनेंगे या नहीं फ्रीजिंग के लिए, वो भ्रूण आपको प्रेग्नेंट कर सकते हैं कि नहीं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग रिट्रीवल वाले दिन हमें पता चलती है बेसिकली, क्योंकि एग बाहर आते हैं। एग ऐसी चीज़ है, ओसाइट्स, जो हम वैसे नहीं देख सकते आँख से, और एग्जैक्ट प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते हैं आपके प्रोसीजर के पहले। तो अब जानते हैं कि एग रिट्रीवल के पहले किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले है आपका जो ट्रिगर का इंजेक्शन लगता है, वो आपको टाइम पे लगाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उसी टाइम के अराउंड आपका जो है सो अंडे का पिकअप होता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिलीव मी, आप जो भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है उसको फॉलो आप ज़रूर करें, उस इंजेक्शन को आप टाइम पे लगवाएं। सेकेंडली, आपको जो फूड हैबिट्स के बारे में बताया जाता है कि आप इतने घंटे, 6 से 8 घंटे पहले कुछ भी नहीं खाएं, तो आप कुछ भी नहीं खा के आएँ। आप अपने साथ या तो अपने हस्बैंड या तो किसी समझदार आदमी को साथ लेके आएँ जो कि आपको देख सकें। अगर आप खुद ड्राइव करके आ रहे हैं तो आपको परमिशन नहीं दिया जाएगा वापस ड्राइव करके जाने का, बिकॉज इस प्रोसीजर के दौरान आपको IV सेडेशन मींस आपको हल्का सुलाया जाता है। तो इस प्रोसेस में आपको जब हल्का सुलाया जाता है, जो मेडिसिंस दी जाती हैं उनका इफ़ेक्ट रहता है कुछ देर तक, उस दिन रहता है, तो वो आपके ड्राइव करने के लिए सेफ़ नहीं है। तीसरी चीज़ यह है कि जो एंग्जाइटी और फियर होता है वो बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें, बिकॉज जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं, जो बेहोशी के डॉक्टर होते हैं, वो आपको असिस्ट करने के लिए होते हैं और आपके इस प्रोसेस को वो पेनलेस बनाते हैं, इसमें आपको दर्द नहीं महसूस होगा। जो आपको मेडिकल डिसऑर्डर की दवाइयाँ चल रही हैं, जैसे थायराइड की दवाइयाँ, शुगर, BP की दवाइयाँ, वो आप टाइम पे खा के आएँ जिस तरह से आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस में लिखा है। तो ये कुछ टिप्स आपके लिए बहुत आवश्यक हैं एग पिकअप के पहले, इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होता है, एंग्जाइटी में या तो पेशेंट भूल जाता है मेडिसिंस खाना अपनी मॉर्निंग वाली डोज, या तो फिर क्या होता है, कभी कभी कुछ पेशेंट्स ऐसा भी करते हैं कि सुबह उठ के पानी पी लेते हैं, उनको हैबिट होती है रोज़ पानी पीने की। तो ये मेरी एडवाइस है कि रात को अपने सोने के समय आसपास कुछ भी रख के ना सोएं, जिससे कि आप सुबह उसको ऑटोमोड पे कर लें, बिकॉज यूजुअली आप NPO होते हो, आपको कुछ भी नहीं लेना होता है अगर मॉर्निंग में केस लगा होता है तो। जब प्रोसेस होता है उस दौरान बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप OT में बिना यूरिन पास किए आएँ। आप देखें कि आपका जो टैग पे नाम लिखा है और जो कंफर्मेशन के लिए नाम आपके OT में लोग बुला रहे हैं आपको, क्योंकि वो क्रॉस चेक करते हैं, बार बार चेक करते हैं, वो सारे ही नाम मैच कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपने OT के स्टाफ से बात करते रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपको डर लगता है तो आप क्या करते हो, आप बात करना, रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर देते हो, ये सही नहीं है। तीसरी चीज़ ये है, जब एनेस्थीजिया वाले डॉक्टर आपको फिर से OT टेबल पे लिटाते हैं, क्योंकि कितना भी आपका पहले चेकअप क्यों नहीं हुआ हो, एनेस्थीजिया वाले डॉक्टर एक बार कंफर्म ज़रूर करते हैं कि आपको कोई एलर्जी है कि नहीं, आपने कोई दवा खाई है कि नहीं, तो वो आप हमेशा सच बोलें। अगर आपने दवा स्किप की है तो वो बताएं, अगर आपने ट्रिगर का डोज नहीं लगाया तो वो बताएं, अगर आप पानी पी के आ गए हो तो वो बताएं। तो ये सब चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ यह है कि पिकअप के बाद पेशेंट को क्या होता है, उसको हल्का फुल्का पेन महसूस होता है, बिकॉज जब आपके एनेस्थीजिया का इफेक्ट कम हो जाता है तो हल्का फुल्का पेन आता है, बट ये पेन ऐसा तीव्र नहीं होता है कि असहनीय होता है, पेन भी इतना ज़्यादा नहीं होता है, वो शाम तक बिल्कुल चला जाता है। आपको 2 घंटे के बाद लिक्विड डाइट और फिर सॉफ्ट डाइट, हल्का खाना खाने के लिए इसलिए एडवाइस किया जाता है क्योंकि जो बॉवल की पेरिस्टाइलिसिस होती है, जो बॉवल का मूवमेंट होता है, वो थोड़ा स्लो हो जाता है, बिकॉज आप भूखे रहते हो कुछ देर, आपको एनेस्थीजिया के ड्रग्स मिलते हैं, ये सब उसके मूवमेंट को स्लो करते हैं। इसीलिए खाना इस तरह का खाना चाहिए जो ईजिली डाइजेस्ट हो जाए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और आपके जो यूरिन होते हैं उसको देखना होता है कि आप यूरिन पास कर रहे हो कि नहीं सही से, आपको गैस पास हो रही है कि नहीं, फ्लैटस पास हो रहा है कि नहीं, आपके बॉवल मूव कर रहे हैं कि नहीं, ये सब कुछ चीज़ें देखनी होती हैं। यूजुअली जो एग रिट्रीवल का प्रोसेस होता है वो काफ़ी पेनलेस होता है और उसमें खतरे का भी काफ़ी कम चांस होता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे तो आपका जो प्रोसेस है वो आराम से निकल जाएगा, और जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है वो आप सारा फॉलो करो। अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन मिला है तो वो आपको ओवम पिकअप के बाद ही शुरू करना है, ये नहीं कि उसके लिए आप डिले करके नेक्स्ट डे से शुरू करो, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखो, बिकॉज बहुत बार फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, पेशेंट उस दिन का अपना प्रोजेस्टेरोन का डोज स्किप कर जाता है, तो ये आप बिल्कुल नहीं करें, बिकॉज वो दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट मायने रखता है हमारे आगे के प्रोसेस के लिए। हम रखें आपका ख्याल।